हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ नेटिविस्ट नॉम चॉम्स की व्यूज़ ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट नाउ मैं आपको एक बात सबसे पहले बता देती हूँ ये जो टॉपिक है और ये जो पूरे के पूरा यू you नो know, एक मेन कंसेप्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट का इसके ऊपर मतलब इसमें से सी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी एज वेल तो आप समझ लेंगे आज की वीडियो में कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी एलईडी स्टैंड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ध्यान से सुनिएगा एलईडी स्टैंड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो नेटिविस्ट की बात करते हैं नेटिविस्ट यहाँ पे मतलब हो गया जो बिलीव करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन पर ठीक है एंड यहाँ पे इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में किस कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज एक्विजिशन वाले कॉन्सेप्ट को तो एल स्टैंड करता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था नॉम चॉम्सकी के द्वारा इन इज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर एंड द नेटिविस्ट परस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई थी पूरी डेवलप करी थी जिसमें उन्होंने एलईडी के बारे में बात करी दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अभी बताऊंगी क्या होता है एंड यहां पर उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रखा और यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बताया सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये जो एलईडी है इसका क्या मतलब होता है बेसिकली इट रेफर्स टू अ हाइपोथेटिकल कॉग्नेटिव मैकेनिज्म यानी आप ये मान लीजिए एक तरह से हमारे ब्रेन में एक एक मेंटल स्ट्रक्चर मान लीजिए या एक एक मैकेनिज्म मान लीजिए हमारे माइंड से रिलेटेड जो चॉम्सकी ने प्रपोज किया था उन्होंने बोला था कि वो एग्जिस्ट करता है ह्यूमन ब्रेन में ठीक है अब उनके अकॉर्डिंग द दिस डिवाइस इज थॉट टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज बाय अलाउइंग इंडिविजुअल टू अनकॉन्शियसली ग्रास्प द अंडरलाइन ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज दे आर एक्सपोज टू तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो उन्होंने बोला कि एक बच्चा जो भी जो भी बच्चा होता है छोटा बच्चा वो ऑटोमेटिकली क्या करता है लैंग्वेज को एक्वायर करता है जो एक छोटा बच्चा होता है सिंपली ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है गेन करता है ठीक है एक्विजिशन देखा जाता है लैंग्वेज का क्योंकि वो जो पर्सन होता है वो अनकॉन्शियसली ग्रैस्प करता है उस ग्रामर को उस रूल्स को ठीक है एंड आप ये मान सकते हैं जो भी लैंग्वेज हैं जो भी चीज़ें बच्चा सुनता है मतलब इसमें ये नहीं है कि इन्वामेंट का रोल कम है और जिस तरीके से वो जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर एक डिवाइस होता है Device, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसके थ्रू लैंग्वेज को वो गेन करता है या समझना शुरू कर देता है ठीक है तो नॉम चॉम्सकी ने सिंपल सी बात बोली कि आप ये देखिए कि लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स होती है बच्चा ही, उसको ग्रामेटिकल रूल्स कुछ नहीं पता है लेकिन जब वो पैदा हुआ उसके एक आध साल में ही इनफैक्ट कई बार तो छः सात महीने में ही वो कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है अपनी मम्मी से सीख के पापा से सीख के फैमिली से सीख के क्योंकि उसके ब्रेन में एक डिवाइस है ठीक है लैंग्वेज तो एक्विजिशन डिवाइस है उन्होंने अपने इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किया वो क्या क्या थे सबसे पहले इननेट नॉलेज देखो इननेट का मतलब होता है जो बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं वो हमारे साथ हो जैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है इननेट इम्यूनिटी ठीक है सपोज हमारी स्किन जो है वो हमारी इननेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है कि हमें कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए सो अकॉर्डिंग टू चॉम्स की ह्यूमन्स आर बॉर्न विद अ प्रीडिस्पोजिशन टू एक्वायर लैंग्वेज यानी ह्यूमन्स जब पैदा होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि लैंग्वेज को एक्वायर कर सके एंड ये जो एलईडी है ये एक बायोलॉजिकली डिटर्मिंट पार्ट है ब्रेन का जिसमें यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल होते हैं जो हर लैंग्वेज में शेयर होते हैं सो अकॉर्डिंग टू चॉम्स की अगर हम बात करें ह्यूमन्स अपने आप में यू नो पैदा होते हैं किसके साथ एक 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 जिसे कहना चाहिए एक इननेट यानी वो पैदा हुए इसी नॉलेज के साथ जिससे वो एक्वायर कर सके लैंग्वेज को तो ये एक बायोलॉजिकली फिक्स पार्ट है ब्रेन का जिसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो सारी लैंग्वेजेस में शेयर होते हैं दिस एलई डी इज अ बायोलॉजिकली डिटरमाइंड पार्ट ऑफ द ब्रेन मतलब बायोलॉजिकली जो डिसाइड हुआ हुआ है जिसमें यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल है तो देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका क्या मतलब हुआ अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती है बचपन से आपका बच्चा अपने आप ही बेसिक हिंदी बोलना शुरू कर देगा इंग्लिश बोली जाती है बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा कन्नड बोली जाती है कन्नड बोलना शुरू कर देगा फ्रेंच जर्मन जो भी बोलोगे क्यों उसने बोला कि एक यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल होता है ब्रेन में जो ये एल ईडी होता है उसमें एक ये जो प्रिंसिपल है इससे कोई भी लैंग्वेज वो बच्चा एक्वायर कर सकता है ठीक है उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल ग्रामर पे चॉम्सकीस थ्योरी पोजिट दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर अ कॉमन अंडरलाइन स्ट्रक्चर इसने ये बोला कि जो चॉम्सकी है चॉम्सकी की थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, उन सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है ठीक है की थ्योरीज ये बोलती है कि हर लैंग्वेज का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है एंड एलईडी क्या होती है द द एलईडी एलईडी इक्विप्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल विद एबिलिटी इस LED से individual के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो यूनिवर्सल ग्रामर को एक्सट्रैक्ट कर ले कैसे मतलब जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली है उसको वो धीरे धीरे एक्वायर कर ले गेन कर ले ये चीज समझ में आई सो so, यहां पे बात हुई किसके बारे में अर्ली ईयर में जिस तरह से वो नॉलेज को गेन करते हैं फिर है क्रिटिकल पीरियड Chomsky theory suggests that there is a critical period during which the language acquisition device is most effective. Chomsky की theory ये suggest करती है कि एक critical period होता है ठीक है जिसमें एक language acquisition sorry language acquisition device बहुत effective होता है ठीक है उनकी theory के according एक critical period होता है आपने देखा होगा छोटे बच्चे बड़ी जल्दी language पकड़ लेते हैं बड़े लोगों को टाइम लगता है तो क्योंकि वो उनका एक क्रिटिकल पीरियड है जिसमें उन्होंने वो लैंग्वेज बड़ी जल्दी पकड़ी क्योंकि उनका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप बच्चे को एक्सपोज करोगे एक लैंग्वेज से उस क्रिटिकल पीरियड में तो वो जल्दी से नेचुरली एंड रैपिडली उस लैंग्वेज को उसकी ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेंगे तो इसीलिए तो बच्चा जो बचपन से लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है वो बड़ी अच्छी बोलता है और फिर बड़े होकर जो वो लैंग्वेजेस सीखता है उसको वो समझने में टाइम लग जाता है सो so, जो लैंग्वेज बचपन से बोली गई वो इस क्रिटिकल पीरियड में जो लर्न करी गई वो उसके लिए बहुत आसान हो जाती है समझनी ठीक है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है बड़े आराम से समझ लेता है इफ़ लैंग्वेज एक्सपोजर अकर आफ्टर दिस पीरियड मतलब अगर एक क्रिटिकल पीरियड के बाद मोस्टली वन टू ऐसा मान लीजिए आप फाइव टू सिक्स तक बोला जाता है फाइव मान लीजिए ठीक है तो उसके बाद जो बच्चा सीखता है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है इफ लैंग्वेज एक्सपोजर अकर आफ्टर दिस पीरियड मतलब इसके बाद आपने सिखाना शुरू करा सपोज हिंदी पढ़ाई गई इस घर में हिंदी बोली गई बचपन में हिंदी बोली गई थोड़ा बहुत इंग्लिश बोला गया अब आपने उसको कोई और लैंग्वेज एकदम से स्विच करा के सिखानी शुरू करी तो उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि वो इस फेज में क्रिटिकल पीरियड में सबसे ज्यादा आराम से समझ पाता है लैंग्वेज को नेचर एज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिजल्ट ऑफ एनवाइन कंडीशन कुछ लोग मानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं लेकिन चॉम्सकी का ये मानना था शुरू से ही कि इन्वायरमेंट ठीक है जो है लेकिन बच्चों के अंदर बचपन से जो ये एलईडी होता है इससे ये लैंग्वेज को फटाफट से एक्वायर कर लेते हैं पोअर्टी ऑफ द स्टिमुलस चॉम्स argument आर्ग्यूमेंट ऑफ द of ऑफ द स्टिमुलस डिस्कस्ड अर्लियर सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एल ई डी जो Chomsky थे उन्होंने ये बात एक्सप्रेस करी थी अभी बताती हूँ क्या थी उन्होंने इसको सपोर्ट किया किस चीज़ को एल ई डी को उन्होंने बोला दैट द लिंग्विस्टिक इनपुट चिल्ड्रन रिसीव इज नॉट रिच और explicit इनफ टू अकाउंट फॉर द complexity ऑफ़ द लैंग्वेज दे acquire मतलब इन्वायरमेंट में सपोज किसी को बोला गया बच्चे को कि नहीं ये नहीं करना ये करना है ये वो तो बच्चे को आपने सिर्फ एक बात बोली लिंग्विस्टिक इनपुट दिया लेकिन उसने बोला कि ये इनफ नहीं है दिस इज नॉट इनफ कि बच्चा जो जितनी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स वो वो सीख जाता है वो तो उसको बताई ही नहीं जाती मतलब हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में थोड़ा ना ग्रामर सिखाना शुरू कर देते हैं दो साल से वो ग्रामर कुछ नहीं सिखाते हम अपने आप भारी भारी वर्ड बोलने शुरू कर देते हैं एक आध साल में क्योंकि जो बाहर से हमें मिल रहा है जो स्टिमली हमें मिल रही है वो इतनी ज्यादा कहना चाहिए मुश्किल नहीं है जितना हम सीख लेते हैं एक्चुअली में टेंट टू नोट दैट वाइल चॉम्स की थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज एक्विजीशन डिवाइस हाईली इंफ्लुएंशियल इन लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजी दे हैव ऑल्सो बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड क्रिटिसिज्म मतलब उन्होंने ये बोला कि जो चॉम्स की की थ्योरी है ये हाईली इंफ्लुएंशियल है लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजी के लिए ये भी ध्यान में रखना है कि इस पर काफी डिबेट हुई है क्रिटिसिज्म भी हुआ है कई लोगों ने इनको एक तरह से मना भी किया कि नहीं ये तो गलत है सो ऑल्टरनेटिव थ्योरीज सच एज सोशल इंट्रैक्शन बहुत सारे पर्सपेक्टिव थे कि सोशल इंट्रैक्शन से बच्चा सीखता है उस पर फोकस हुआ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर इन्होंने सीधे फोकस किया कि बच्चा इंटरनली इननेट एलईडी के साथ पैदा होता है चॉम्स्की के वर्क ने बहुत रिसर्च करी एंड इतनी सॉरी <coughs> इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको फिर से बता रही हूँ बहुत बार ये पूछा जाता है लेकिन ये बहुत ईजी टॉपिक है मतलब बेसिक समझना है इसमें बात हुई है लैंग्वेज एक्विजिशन की लैंग्वेज लर्निंग की नहीं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग अलग चीज़ें होती है एक्विजिशन में आप गेन कर रहे हो उस चीज़ को आप एक्वायर कर रहे हो नेचुरली आपने सीख ली सो so, ये नेटिविस्ट नॉम्स चॉम्स की व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको कोई वीडियो ढूंढनी है आप कहाँ जाएंगे प्ले पे जाएंगे प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड मेनी वीडियोज यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग भी हैं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है बी एड एम एड अलग अलग हैं आप चेक कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव एन नाइस डे एल सी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो